Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. चल निकले हम मिलकर दुनिया की सैर को, एडवेंचर जिंदगी, कोई रोके ना हमको। ठंडी ठंडी फिजा, नीला है आसमां, मस्ती का है समा, हमसे ही है हर खुशी। A game for a rhinoceros. फौरन जगाओ इसे, कब से सो रहा है ये? अरे इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? तुमने इसको पूरी रात उड़ाया, वो भी एक टाइम पर। तो बात ये है कि अब तुम मुझे बताओगे कि किसको मिलना उड़ाना है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जितना जाए उड़ाए, जहाँ जाए वहाँ जाए, मर्जी है ना भी उड़ाए। तो अपनी इस राय को अपने पास रखो, वरना जानते हो ना। कम ऑन टेस, क्या हो गया है? अब तो हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना? भगाओ उसे, देख नहीं रही, मुझे तंग कर रही है। जाओ यहाँ से। टेस्टमैन जाए, मुझे लगता है कि छोटी चिड़िया यहाँ इसलिए आई है कि तुमसे दोस्ती कर सके। दोस्ती और मुझसे? मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करे, ठीक है? क्योंकि दोस्ती का मतलब होता है कमजोरी। मार्टिक, रोब्स को चेक करना प्लीज। ठीक है कैप्टन। हे कुबाबा जी, जागने का वक्त हो गया और उड़ने का भी। वो देखो, वो लोग कितने मजे कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कोई पार्टी चल रही है वहाँ। वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। टेक, हमारे जाने का वक्त हो गया है। हाँ, लेकिन आजकल हम लोग सिर्फ उड़ ही रहे हैं। लियो, मैं तो भूल ही गया हूँ कि हम किस तरह खेलते और एंजॉय किया करते थे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा टेक, मेरा बहुत दिल चाह रहा है खेलने का। चलो ठीक है, थोड़ी देर खेल लेते हैं। हे दोस्तों, क्या हम भी खेल सकते हैं? हाँ, रुको, बहुत मजा आएगा। वाह, देखो जरा, लगता है धब्बों और धारियों वाले यही हैं। अच्छा गेम खेल रहे हैं ये तो। तो ऐसा करते हैं कि चलो, क्यों ना हम लोग भी इनके साथ मिलकर खेलें। तुम भी बोलो ना प्लीज। तो खेलना है तुम्हें? हाँ, हम खेलेंगे हाइड एंड सीक, लेकिन हमारा पूरा ध्यान होगा छुपने पर। आजो, तो मेरा प्लान ये है कि उस बंदर को किडनैप करेंगे हम लोग, फिर उनका शिप होगा हमारा। बहुत तेरी बात। बंदर को किडनैप करने का क्या फायदा? हाँ, जानते नहीं, यही वो बंदर है जो हमें खजाने तक पहुँचा सकता है, समझ गए? अब समझ में आया मुझे। मुझे भी। तो फिर लग जाओ अपने काम पे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? टांडा। वेल ओके टांडा, आ जाओ। हाँ? जितने ज्यादा उतना मजा। नहीं 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 नहीं, तुम इसके साथ खेलोगे तो हम नहीं खेलेंगे साथ। हे, क्या हो गया तुम लोगों को? अजीब बात है, कैच वाला गेम खेलोगे? चलो। नहीं नहीं नहीं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम ये खेला करते थे। चलो ठीक है,
तुम लोग जाकर छुपो, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा। तुम छुपी क्यों नहीं? छुपी तो हूँ लेकिन तुम तो पूरी नजर आ रही हो। अगर तुम यहाँ पे छुपोगी तो लियो तुम्हें ढूंढ लेगा। डांडा, ये क्या कर रही हो? इस तरह तो वो तुम्हें बहुत आसानी से ढूंढ लेगा। 9, 10 कोई छुपे या न छुपे, मैं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम हाइड एंड सीक में छुपने के लिए बहुत बड़ी हो। आई एम रियली सॉरी। क्यों ना हम सब लोग मिलकर कोई और गेम खेलें? बहुत अच्छा आइडिया है यारा। मापा ने कहा था कि वो गेम खेलना चाहिए जो सारे दोस्त मिलकर खेल सके। क्या तुम लोग नहीं जानते? ये एक कहानी है, हमारे डैड ने सुनाई थी। और ये कहानी बहुत पुरानी है, जब सवेनों में छोटे छोटे राइनोज हुआ करते थे। इतने छोटे और फुर्तीले, बिल्कुल किसी छोटे रैबिट जैसे। एक बार राइनो स्प्रेड ऑफ सवेनों के पास गया अपने लिए एक स्पेशल फेवर मांगने। वो बड़ा होना चाहता था और यही फेवर वो स्प्रेड ऑफ सवेनों से मांगने गया था। उसके बाद वो वाकई बहुत बड़ा हो गया अपने सारे दुश्मनों से। और यही नहीं, वो अपने जंगल के तमाम दोस्तों से भी बड़ा हो गया था। और इस पर वो परेशान भी होने लगा था कि कहीं वो अपने किसी दोस्त को नुकसान ना पहुंचा दे। उसके बाद से वो उदास रहने लगा, क्योंकि जंगल का कोई भी जानवर उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। फिर एक दिन राइनो एक चिड़िया से मिला जो अकेली थी। उसका नाम था ऑक्सपैकर। ना ही चिड़िया उससे डरी और ना ही उससे दूर भागने की कोशिश की, क्योंकि शायद वो चिड़िया जानती थी कि इतने बड़े राइनो का दिल बहुत नर्म होगा। वो हसास भी हो सकता है और रहम दिल भी, और खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं। और उसी दिन से वो छोटी चिड़िया और राइनो दोस्त बन गए और साथ खेलने लगे। और उस दिन के बाद से ऑक्सपैकर और राइनो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। Awesome! Wow! डांडा, कोई बात नहीं। मुझसे तो छोटी चिड़िया भी दोस्ती नहीं करती। पर यहाँ से जाओ नहीं। चुप हो जाओ। ये चिड़िया हमारा पीछा कर रही है। कौन तोड़ दी? क्या हुआ? ये हमारी दोस्त है।
हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं खेलने के लिए। तुम हमारे बीच में मत पड़ो, समझे? ले जाकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। देखने में तो ये काफी बड़ी लग रही है, अब जो भी करना है वो तुम खुद करो, हम तो चले। है तो बड़ी। अरे मेरी बात तो सुबह। लिली तुम ठीक हो ना? ठंड और छोटी ब्रेड ने मेरी जान बचाई। लिटिल बर्ड, तुम इन मक्खियों के होते हुए भी मेरे पास आई, थैंक यू सो मच। क्या कहा, तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहती हो? वाकई में? लगता है उसे एक दोस्त मिल गया जो उसके साथ खेल सकता है। बहुत अच्छी बात है, क्यों उस लिटिल बर्ड को भी अपनी न्यू फ्रेंड टेंडा मिल गई, और टेंडा भी खुश हो गई, उसे भी एक सच्चा दोस्त मिल गया।